नमस्ते जी, कल को हमारी बुआ सास आने वाली है तो मैं और मम्मी उसी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मम्मी ने चूल्हे में जलाने के बाद मैंने और मम्मी ने लौकी को छील कर कस लिया है और उसके बाद कढ़ाई को रख दिया है चूल्हे पर। मम्मी ने इसमें कद्दूकस की हुई लौकी को डालने के बाद उसी के साथ चीनी भी चढ़ा दी। लौकी अपना पानी छोड़ती जाएगी, इसके साथ ही चीनी भी पिघलती जाएगी। हमने यहाँ पर 3 किलो लौकी ली है और 2.5 किलो चीनी डाली है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इतनी देर में मम्मी ने परात पर घी लगाकर तैयार कर लिया है। जब हमारी चाशनी साइड से कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देगी तो इसका मतलब है कि हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। इसमें मम्मी ने थोड़ा सा फूड कलर भी डाला था जिससे हमारी मिठाई का कलर और भी अच्छा हो जाए। जब हमारी चाशनी कढ़ाई छोड़ने लगी तो मम्मी ने कढ़ाई को नीचे उतार लिया और फिर मैं इसमें मावा डालती रही और मम्मी इसे लगातार चलाती रही। मावे की एक भी गुठलियां नहीं बचनी चाहिए। इसके बाद हमने इसे परात में डालकर थोड़ा सा फैलाने के बाद 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब हमारी लोज की मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।